पूरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकती है? चर्चाएं तो होती हूँ। पवन सिंह आजमगढ़ फतेह करने के बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ का एक धाकड़ इंटरव्यू सभी के सामने आया है। जी हाँ, जहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ये कहते नजर आ रहे हैं कि मनोज तिवारी, रवि किशन और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ के सांसद बनने के बाद अब भोजपुरी में बारी है पावर स्टार पवन सिंह के सांसद बनने की। तो जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह बहुत जल्द राजनीति का रुख कर सकते हैं। वैसे जब बीजेपी में वो शामिल हुए थे तभी से कयास लगना शुरू हो गए थे कि वो बहुत जल्द ही राजनीति का रुख करेंगे और अब इन सब चीज़ों से पर्दा उड़ता नज़र आ रहा है। जी हाँ, आपने अभी सुना कि किस तरह से आज तक के रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया और उस सवाल के जवाब में उन्होंने वही कहा जो आपने सुना। अब आपको ये बता दें कि हो सकता है कि पावर स्टार पवन सिंह का ये रूप आप बहुत जल्द देखें जब वो आपको राजनेता के रूप में नज़र आए। वैसे भोजपुरी एक्टर बहुत ही बेहतरीन नेता बन सकते हैं, ये तो 3 एक्टरों ने साबित कर दिया है। अब बारी पवन सिंह की है। ये कल की बात हुई जब बॉलीवुड के एक्टर एक्टिंग करियर खत्म होने के बाद राजनीति का रुख किया करते थे, अब भोजपुरी में तो ये एक चलन सा चल चुका है। क्या कहेंगे आप हमारे इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।